हेलो गाइस यार, कैसे हैं आप सब? यार बहुत दिनों बाद ही वीडियो बना रहा हूँ गाइस, लेकिन वीडियो में जो भी न्यूज़ है वो बिल्कुल ही कंफर्म है और बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ दे रहा हूँ यार। अगर आप रेडमी K20 Pro यूज़ करते हैं तो गाइस उसमें जो है 12.0.5 का अपडेट जो है आपको दिसंबर एंड तक ही मिलेगा। जो कह रहे हैं कि सीधे आपको MIUI 13 मिलेगा, तो नहीं गाइस, पहले आपको 12.0.5 का अपडेट मिलेगा और वो भी दिसंबर एंड से पहले मिलेगा। और वो गाइस एंड्रॉयड 11 पे होगा और गाइस उसमें कुछ चेंजेस भी होंगे, वो मेजर अपडेट होगा। तो 1 से लेकर 2 GB के बीच में वो अपडेट आएगा। और गाइस जो पोको लॉन्चर्स की वजह से परेशान है कि पोको लॉन्चर का अपडेट कब आएगा, तो गाइस कोई कंफर्म नहीं है कि पोको लॉन्चर का अपडेट आएगा या नहीं आएगा। बट जो रूमर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक जो हमारा MIUI 12.0.5 का अपडेट है उसी में हमारा इंक्लूड हो के आएगा, या फिर पोको लॉन्चर को रिप्लेस करके MIUI का लॉन्चर डाला जाएगा रेडमी K20 Pro में। तो गाइस रेडमी K20 Pro जो भी यूज़र है यार, कुछ दिनों वेट कर लो, काफ़ी समय से अपडेट नहीं आया है, क्योंकि जो अपडेट आने वाला है वो मेजर अपडेट है और एंड्रॉयड 11 के साथ आएगा। और हमारा जो रेडमी K20 Pro है वो एंड्रॉयड 11 के लिए एलिजिबल है, तो कुछ समय वेट कीजिए, जल्द से जल्द आपको ये अपडेट मिल जाएगा। और गाइस आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे Redmi Note 9 Pro है जिसके पास, उसमें अपडेट आ गया है Android 11 का, जिसने नहीं किया वो नीचे कमेंट करें, मैं उसको लिंक दूंगा, आप लिंक से भी अपडेट कर सकते हैं बिना डिवाइस को रूट किए। और गाइस अगर किसी भी वीडियो पे पोको लॉन्चर का अपडेट दिखाता है तो गाइस वो अप्लाई नहीं होगा, आपको आपका डिवाइस रूट करना पड़ेगा, उसके बिना कोई भी अपडेट अप्लाई नहीं हो सकता। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैं आपको देना चाहता था। तो ये बिल्कुल ही रियल न्यूज़ है और गाइस कहीं से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, अच्छे चैनलों पे भी आजकल फेक वीडियो डेली वीडियोज आ जाती है, MIUI 12 अपडेट या चाइना अपडेट से हमें क्या लेना। तो वीडियो को लाइक कर देना और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।